कोई मत तो नहीं बचा और इस कदर तक पार्टी गिर गई है। एक व्यक्ति के पैरों में आत्मसमर्पण पार्टी ने कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता था। स्पीकर महोदय ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया और वो करें तो ठीक है, वहाँ तो भाइयों के ढोक दो तो आपको कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र मिलेगा, वरना जाओ बाहर। ओम बिरला के ऊपर बड़ा बड़ी आरोप लगा रहे हैं, पर ये बताइए क्या नहीं लगा रहा हूँ, सारा शहर कह रहा है। पर सर, जिस पार्टी में आप गए हैं कांग्रेस में, उस पार्टी के नेता शांति धारीवाल के खिलाफ आपने काफी आरोप लगाए हैं पास्ट में, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े भी हार भी गए, ऐसे में क्या आपको लगता है वहाँ पर आपको समर्थन मिलेगा? सब मिलेगा, मैं भी जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ, सब लीडर्स को मैनेज करेंगे, सबसे बात करेंगे। वसुंधरा जी भी आ सकती है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, उनके करीबी का बेटा तो चुनाव लड़ रहा है ना बहुत ताकत से। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से क्या कांग्रेस की टिकट मिलने वाली है प्रहलाद जी? ये तो कांग्रेस को तय करना है किसको लड़ाएगी। मैंने सर, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है आज, मुख्य नेताओं की प्रेजेंस में की है, अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा रहे थे, कुछ ना कुछ आश्वासन आपको मिला होगा सर? मैंने केवल एक भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति से जिल्लत पाकर, जिसने सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, वहाँ सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चर्चा, इसका कोई महत्व नहीं बचा और इस कदर तक पार्टी गिर गई है। एक व्यक्ति के पैरों में आत्मसमर्पण पार्टी ने कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता था। ये आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने कहा सामूहिक चर्चा नहीं होती है, एक पार्टी के पैरों में पार्टी गिर गई है, एक व्यक्ति के पैरों में पार्टी गिर गई है, पर आप व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने नाम नहीं बोल तो रहा हूँ। स्पीकर महोदय ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया और वो करें तो ठीक है, वहाँ तो भाइयों के ढोक दो तो आपको कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र मिलेगा, वरना जाओ बाहर। आप ओम बिरला के ऊपर बड़ा बड़ी आरोप लगा रहे हैं, पर ये बताइए क्या नहीं लगा रहा हूँ, सारा शहर कह रहा है। आप नहीं लगा रहे, आप बच रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो लगा ही रहा हूँ, मैं अकेला नहीं लगा रहा हूँ, सारा शहर कह रहा है। और मैंने तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ ज्वाइन करके रास्ता खोला है, अब वोट देखना अब किस तरीके से कोटा की जनता। तो गुंजल जी, जो नई पार्टी आपने ज्वाइन की है उसको कहेंगे क्या कि आप उनको ओम बिरला के खिलाफ आपको लड़ाई? वो पार्टी को निर्णय करना है, उसमें कोई शर्त नहीं है। पर सर, जिस पार्टी में आप गए हैं कांग्रेस में, उस पार्टी के नेता शांति धारीवाल के खिलाफ आपने काफी आरोप लगाए हैं पास्ट में, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े भी हार भी गए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है वहां पर आपको समर्थन मिलेगा कांग्रेस? सब मिलेगा, मैं भी जमीनी कार्यकर्ता रहा हूं, सब लीडर्स को मैनेज करेंगे, सबसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी का साथ देंगे। सर, वसुंधरा राजे के करीबी आप बताए जाते हैं, क्या आपने उनसे डिस्कस विचार विमर्श हुआ था सर? पार्टी में ज्वाइन करने का किसी से विचार विमर्श थोड़ी होगा बीजेपी वालों से। सुंदरा जी के साथ संवाद हर स्तर पर होता रहता है, औरों से भी होता रहता है। वसुंधरा पार्टी के बहुत लोग बात कर रहे थे, हमने कहा बहुत पीछे छूट गई ये बातें। वसुंधरा जी भी आ सकती है कांग्रेस? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आप उनके करीबी? उनका बेटा तो चुनाव लड़ रहा है ना बहुत ताकत से। नहीं, वो आ सकती है क्या सर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों आएंगी वसुंधरा जी? आपकी बातचीत होती रहती है सर उनसे? होती रहती है, हमारी पुरानी नेता है भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है आपको? माइनस वन कर दीजिए, बाकी 24 की बात प्रदेश वाले करेंगे। अच्छा, आप बाकी सीटों के बारे में आप? मैंने कह दिया माइनस वन, कोटा नहीं आएगी। मतलब आप खुद चुनाव लड़ेंगे कोटा से क्या? अरे तो कांग्रेस जिसको लड़ाएगी वो लड़ेगा, तो जो भी लड़ाएगी उसको वो जीतेगा पूरी ताकत से। बीजेपी के वरिष्ठ, अगर आपको नहीं लड़ाती तो आप सपोर्ट करेंगे? पूरा करेंगे। दामन थाम लिया है प्रहलाद गुंजल, तो साफ तौर पर आपने सुना प्रहलाद गुंजल को बोलते हुए कि माइनस वन कर दीजिए, ये कहते हुए कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की नहीं आने वाली हैं।